सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बालक माँ के गर्भ में आ गया, एक सामान्य सी क्रिया है। 9 महीने किसने गर्भ में पाला? माता ने। ये आपका धर्म है। अगर आप बच्चे से ये कहते हो कि हमने तुम्हें 9 महीने पाला, गीले में सुलाया, खुद सोए सूखे में सुलाया, तो ये आपका भी भ्रम है। हमें भी अपने बच्चों से ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। ये शब्द हमें हमारे बच्चों से और दूर कर देते हैं। जो माता पिता ऐसे कहते हैं कि हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, ये किया वो किया, ये आपका दायित्व है। ये एक क्रिया है, ये कर्म नहीं है, ये क्रिया है, करनी ही पड़ेगी अगर गृहस्थ जीवन में आपने जन्म लिया है संसार। तो जिस दिन से बालक गर्भ में आया, 9 महीने तक आप अपने बच्चे से मिले, गर्भ में उसे बुखार आया आपको पता चला, और कोई पीड़ा उसको गर्भ के अंदर हुई, आप मिली उनसे, कोई माता मिली है अपने बालक से, बालक गर्भ में किस स्थिति में है बताओ, मिला है कोई? तो फिर 9 महीने तक उस बालक का पालन पोषण किसने किया बताओ? भगवान ने किया ना। आपको क्या पता उस बच्चे की आंखें ठीक है कि नहीं, आपकी तरह है, पिताजी की तरह है, किसी और की तरह है, उसके हाथ की 10 उंगलियां साबुत है कि नहीं, उसके शरीर में पैर है कि नहीं, कान है कि नहीं, पता है आपको? आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई, पता कर लेते हो। पता कर लिया, अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल गया कि बच्चे के एक हाथ नहीं है, है कोई सामर्थ्य कि हाथ उसके पैदा कर दो आप गर्भ के अंदर बताओ, कर सकते हो? तो आपका कितना अधिकार है अपने बच्चे के ऊपर? पिता का सिर्फ 2% और माता का 8%। आज की भाषा में ध्यान से सुनना, 8% आपका अधिकार है, वो भी इसलिए कि 9 महीने आपने उसे अपने गर्भ में रखा, उसके बाद जन्म दिया। जन्म होते समय भी माता और बालक दोनों सकुशल हैं, ये भी परमात्मा की कृपा है। तो 9 महीने आपने उसको नहीं देखा कि वो अंदर किस हाल में है, इस संसार में कभी आंखें खोलेगा नहीं खोलेगा आपको नहीं पता। ये सारी व्यवस्था किसने करी? भगवान ने। तो 90% अधिकार किसका हुआ उस बालक पर? भगवान का हुआ कि नहीं हुआ? हम सबका जन्म माता के गर्भ से हुआ है, हम सब प्राणी हैं, तो हम सब भी उसी स्थिति से गुजरे हैं जिससे एक नवजात शिशु गुजरता है। तो हमारे ऊपर 90% अधिकार किसका है? भगवान का। आपके बच्चे के ऊपर 90% अधिकार किसका है? भगवान का। पर हम जिसका 90% अधिकार है उसको 10 मिनट का भी समय 24 घंटे में से नहीं देते, और जिसका 10% है उसे क्या देंगे, वो आप देख ही रहे हो आजकल। तो अगर माता पिता से निवेदन कर रहा हूं, अगर बच्चा बात नहीं सुनता है, पहली बात तो उसे निरंतर कथाएं सुनवाओ, और आप भी जब घर जाया करो तो इस कथा को फिर दोबारा से रिवीजन किया करो, क्योंकि एक बार में हमारे मन में कोई बात नहीं उतरती कि 3 घंटे में क्या आपको अच्छा लगा, लेकिन जाकर जब YouTube पे शिवम साधक जी डालेंगे और सुनेंगे तो 3 घंटे में से आपको कुछ ना कुछ नई बात निकल के आएगी और आप उसका मंथन करेंगे। तो बच्चा बात नहीं सुनता है, पानी नहीं देता है, बैठने को नहीं कहता है, तो बुरा ना माने, क्योंकि आपका अधिकार तो सिर्फ 2 और 8% ही है, 90% अधिकार तो किसी और का है। तो जिसकी वो संतान है, जिसका अधिकार है, उसकी इच्छा कि वो उसको कैसे ही रखे। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि जो हमारा नहीं है उसे हम अपना मान चुके हैं, और जो 90% हमारा है, सामने ठाकुर जी विराजमान है, उसे हम 10% भी अपना नहीं मानते। यही अंतर है कि मीटर का काम लीटर से कर रहे हो और लीटर का काम मीटर से, इसलिए जीवन में दुख ही दुख मिल रहा है। तो आज भी समय है, इसी घड़ी जाग जाओ और समझ जाओ कि हम पर
अधिक अधिकार किसका है।